Assalamualaikum, this is Arpasha and our today's topic of discussion is quarks and today we're going to discuss about some of the particles inside the atoms. Achha, so pehle kya aap is lecture ko dekhe, I would strongly recommend kya aap, this is lecture 3 of radioactivity AS level. I would strongly recommend kya aap isse pehle lecture 2 zarur dekhe, jisse maine ye discuss kiya hai ki how small an atom is, how we reach to the structure of an atom, because that was a very important discussion. अच्छा, आप देखिए, एक 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 चीज़ मैं आपके साथ ज़रा वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा. देखिए, अगर अगर आपसे बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए एक एटम की, ऑलराइट, तो एक एटम को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में तीन अहम चीज़ आती हैं एक एटम के स्ट्रक्चर को देख के. ऑलराइट जी, आपके दिमाग में आता है इलेक्ट्रॉन, आपके दिमाग में आता है प्रोटॉन और आपके दिमाग में आता है न्यूट्रॉन. ऑलराइट जी, मुझे एक एटम के स्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू ऑल आर वेल फेमिलियर कि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक परमिटेड पाथवेज कॉल्ड शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स. ऑलराइट, अच्छा, अब मजे की बात यह है कि यह किस्सा यहाँ पे आके खत्म नहीं हो जाता. ये तीन पार्टिकल्स हैं जिनको शुरू से पढ़ाया जाता है, बुनियादी तौर पर ये तीन हैं, लेकिन अगर एक एटम के अंदर जाया जाए तो पता लगता है कि देयर आर मोर देन 30 सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर कन्फर्म्ड, जो कि डिस्कवर हो चुके हैं. यहाँ तक कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अपनी फैमिलीज हैं, उनको बाकायदा कैटेगराइज किया जाता है और इसकी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है. बहरहाल, मैं उन 30 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिटेल में तो नहीं जाने वाला. हाँ, कुछ मोटी मोटी बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी है जो कि हमारे एएस लेवल फिजिक्स के करिकुलम का पार्ट है. वो क्या? वो ये कि पहली चीज तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है हमारे पास और ये जो न्यूट्रॉन है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये दोनों हैं कॉम्पोजिट पार्टिकल्स. कॉम्पोजिट पार्टिकल का मतलब ये है कि भैया इनके अंदर भी कुछ है, अभी इनके अंदर एक पूरी दुनिया है. वो क्या है? वो ये है कि दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको फर्दर स्प्लिट नहीं किया जाता, लेकिन यस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, yes, they are composite particles and they are made up of quarks. Alright जी, तो ये किससे मिलकर बने? ये quarks से मिलकर बने और हमारे syllabus का ये हिस्सा है कि हमें पता होना चाहिए कि आखिर एक proton में quarks की क्या composition है और एक neutron के अंदर quarks की क्या composition है, और इसकी कुछ छोटी मोटी details हैं जो कि हमारे curriculum का part है. तो अब ये जो quarks हैं that make up protons and neutrons, इनकी भी अपनी types हैं, इनकी अपनी किस्म है. तो पहले जरा मैं आपको उनके बारे में कुछ बता देता हूँ. अरे जी, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर ये टेबल बना दिया है कि जी हमें तीन क्वार्क्स के बारे में पढ़ना है, उनका सिंबल पढ़ना है और उनके चार्ज के बारे में पढ़ना है. अरे जी, तो द फर्स्ट वन इज अप क्वार्क. तो द फर्स्ट वन इज अप क्वार्क, द सेकेंड वन इज डाउन क्वार्क एंड द थर्ड वन दैट वी हैव इज स्ट्रेंज क्वार्क. अरे जी, तो ये तीन क्वार्क्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है. और अप क्वार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ सिंबल स्मॉल यू, डाउन क्वार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ सिंबल स्मॉल डी, और स्ट्रेंज क्वार्क को रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ सिंबल स्मॉल एस. ऑलराइट जी, अच्छा, जो अप क्वार्क है वो उसका चार्ज है +2/3 टाइम्स द एलिमेंट्री चार्ज. ऑलराइट, जो डाउन क्वार्क है उसका सिंबल है -1/3 टाइम्स द एलिमेंट्री चार्ज, और जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसका भी चार्ज है -1/3 टाइम्स द एलिमेंट्री चार्ज. अच्छा, अब आपको इस चीज को समझने की जरूरत है, कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैसी बात कर दी आपने, ये तो हम नहीं मान सकते. क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि पीछे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ है उनको पता है कि सर ई क्या है, ई इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और ये तो एलिमेंट्री चार्ज है. और हमने कहा था कि चार्ज जब भी होगा इसका मल्टीपल होगा, तो +2/3 ई और -1/3 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अगेंस्ट हो जाएगा कि ये चार्जेस तो क्वांटाइज थे. यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आएगा किसी पार्टिकल के ऊपर, तो 1.6 -19 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो सर ये क्या हो गया? देखिए, ये इस तरह से हो गया.
अब देखिए, असल में कहानी सारी ये है, कहानी सारी ये है कि एक अकेला अप कॉर्क एग्जिस्ट करता भी नहीं है, अकेला डाउन कॉर्क भी एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला स्ट्रेंज कॉर्क भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये जब भी एग्जिस्ट करते हैं, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं कि ये जो मिलकर पार्टिकल बनाते हैं उसका चार्ज हमेशा प्लस ई या माइनस ई या प्लस टू ई या माइनस टू ई ही आता है, यानी वो एट द एंड ऑफ द डे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम ही आएगा। ठीक है जी, तो अब ये समझ में आ गया कि जी ये अप कॉर्क है, ये डाउन कॉर्क है, स्ट्रेंज कॉर्क है, तीन तरह के कॉर्क्स होते हैं एंड दे आर गोइंग टू मेक अप अ प्रोटॉन। अच्छा, अब जरा इस चीज को समझ लें, इस चीज को समझ लें कि अगर मैं बात करूं किसकी, एक प्रोटॉन की ना, तो दिस इज अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के अंदर अगर जाकर देखा जाए, लेट से दिस इज अ प्रोटॉन, ठीक है ना, तो इस प्रोटॉन में होते हैं दो अप कॉर्क्स। क्या होते हैं जी, प्रोटॉन में होता है दो अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क। और है जी, और दो अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क मिलकर क्या बना देते हैं, ये मिलकर बना देता है एक अदद प्रोटॉन। ऑलराइट, तो दिस इज अ प्रोटॉन दैट कंटेन्स टू अप कॉर्क एंड अ डाउन कॉर्क। अच्छा, इस प्रोटॉन के अंदर द अप कॉर्क एंड द डाउन कॉर्क्स आर इंटरैक्टेड विद ईच अदर ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। इनके बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, वो होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, वो जो कॉर्क्स के बीच में है इन साइड द प्रोटॉन या इन साइड द न्यूट्रॉन, और इन्हीं की वजह से इन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से ये अपने अरेंजमेंट चेंज करते हैं, और इनके चेंजेस की वजह से ही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बीटा पार्टिकल, यानी बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव पार्टिकल है जो कि एमिट होता है, जिसको हमने आगे जाकर देखना है। ऑलराइट जी, अच्छा ये मैंने आपके आगे जी एक प्रोटॉन बना दिया, सही है ना। अब मैं आपके आगे एक न्यूट्रॉन भी बना देता हूं। अगर एक न्यूट्रॉन की बात की जाए, तो लेट से दिस इज अ न्यूट्रॉन। अगर इस न्यूट्रॉन को देखा जाए, तो इस न्यूट्रॉन में एक अप कॉर्क और दो डाउन कॉर्क्स। ऑलराइट जी, तो एक न्यूट्रॉन में दो डाउन और एक अप कॉर्क्स है। And again, these up and down quarks are connected to each other by weak nuclear forces. Alright जी, तो इनके भी अप कॉर्क डाउन कॉर्क, इनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो कौन सी है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, और ये बन गया आपके पास जी एक अदद न्यूट्रॉन। तो दिस इज अ न्यूट्रॉन एंड दिस इज अ प्रोटॉन, और मैंने आपके आगे जरा इसका मॉडल बना दिया। अब हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई। Alright जी, द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज प्लस ई। Alright, एंड द चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है जी, उसका चार्ज होता है जीरो। तो आइए जरा देखते हैं इस कॉर्क मॉडल से कि क्या वाकई ऐसा होता है कि एक प्रोटॉन का चार्ज ई है। तो आइए जरा देखते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है जी, तो एक प्रोटॉन में क्या है, एक प्रोटॉन में हमारे पास है एक अप कॉर्क, फिर एक और अप कॉर्क, ठीक है ना जी, ये रहा एक अप कॉर्क और फिर एक और अप कॉर्क, और फिर क्या है, फिर हमारे पास प्रोटॉन में एक डाउन कॉर्क है, ठीक है ना जी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक डाउन कॉर्क। अब जरा मैं इनके चार्जेस को पुट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो अप कॉर्क इज प्लस टू अपॉन थ्री, देन अनदर अप कॉर्क विच इज अगेन प्लस टू अपॉन थ्री, एंड देन डाउन कॉर्क विच इज माइनस 1/3। ऑलराइट जी, और ये सब क्या है, ये सब है e, तो दिस इज 2/3 e, दिस इज प्लस 2/3 एंड दिस इज -1/3 e। ऑलराइट, तो अब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो यहां पर मेरे पास 3 आ जाएगा एलसीएम, एंड आई विल बी लेफ्ट विद 2e प्लस 2e -1e, आई विल बी लेफ्ट विद 4e -1e इज 3e ओवर 3 व्हिच इज प्लस e। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन का चार्ज क्या, एक प्रोटॉन का चार्ज है प्लस e। तो कॉर्क्स जब आपस में मिलते हैं तो वो कुछ इस कॉम्बिनेशन में मिलते हैं कि वो जो पार्टिकल बनाएंगे उसका नेट चार्ज क्या होगा बेटा, उसका नेट चार्ज हमेशा प्लस ई माइनस ई इस तरह से होगा। अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। ऑलराइट जी, तो अब हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन में क्या है जी, एक अप कॉर्क है और दो डाउन कॉर्क्स हैं। राइट, तो एक अप कॉर्क है और दो डाउन कॉर्क्स हैं, सही है जी। तो अब अगर मैं इधर देखने की कोशिश करूं तो डैट इज 1+2 down। ऑलराइट जी, तो एक अप कॉर्क का चार्ज क्या है, जरा मैं आपको वापस दिखा दूं, एक अप कॉर्क का चार्ज था
प्लस 2/3 हेयर। अरे जी, तो मैं वापस लाके इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। कॉर्क इज प्लस 2/3 ई, अरे जी, डाउन कॉर्क इज -1/3 ई, एंड देन अनदर डाउन कॉर्क विच इज अगेन -1/3 ई। अरे जी, तो डेविल मेक अप व्हाट? डेविल मेक अप 3 नीचे आ जाएगा एलसीएम, एंड आई विल बी लेफ्ट विद 2e माइनस ई माइनस ई, दैट विल बी 0/3, एंड द आंसर इज 0। एंड इट प्रीटी मच मेक सेंस व्हाई, बिकॉज एक 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 न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, वो चार्ज क्या होता है? वो 0 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन कोर कॉम्पोजिशन से हमें पता लग रहा है कि एक एक न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो 0 होता है। अच्छा जी, तो एक क्वार्क मॉडल भी बना दिया मैंने आपके आगे, बीटा डीके का जो हमारा रेडियो एक्टिविटी का सबसे पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश किया था कि एक प्रोटॉन अपने आप को एक न्यूट्रॉन में स्प्लिट कर सकता है, सिमिलरली एक न्यूट्रॉन अपने आप को एक प्रोटॉन में स्प्लिट कर सकता है, तो वो बीटा डीके इसकी वजह से ही होता है। तो मैं ज़रा सिर्फ उसका एक क्विक रिमाइंडर आपको दे दूं कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था एक न्यूट्रॉन, या अगर आप ये देखें जो मैंने आपके आगे कॉर्क मॉडल बनाया है, यहाँ पर मैं जरा वीक इंटर क्या कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी बना दूं ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे। तो इस कॉर्क मॉडल को देखें तो ऊपर ही हमने समझा है ना कि जी एक प्रोटॉन कैसे बनता है और एक न्यूट्रॉन कैसे बनता है। तो ऊपर जरा जाकर देखें तो दो डाउन कॉर्क और एक अप कॉर्क, दो डाउन कॉर्क और एक अप कॉर्क क्या बनाता है? एक न्यूट्रॉन बनाता है, ठीक है ना जी। तो टेक्निकली मेरे पास यहां पर एक न्यूट्रॉन है, और उस न्यूट्रॉन ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया है? उस न्यूट्रॉन ने अपने आप को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो फसाद की जड़ें, अगर आपको याद हो तो इसे कहा जाता था इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रीनो। ऑलराइट, तो ये मैंने पिछली पहली क्लास में बताया था, तो अब मैंने क्वार्क मॉडल के ऊपर रख के भी बना दिया आपके आगे कि जी ये रहा एक न्यूट्रॉन और ये रहा आपके आगे एक प्रोटॉन। तो एक न्यूट्रॉन ने एक प्रोटॉन में अपने आप को स्प्लिट कर लिया, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट किया, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रीनो इसने एमिट किया, ठीक है जी। सिमिलरली अब आप समझ चुके होंगे कि जी ये क्या है, ये एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एक न्यूट्रॉन में, और इसने साथ ही साथ क्या एमिट किया, साथ ही साथ एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट किया, और साथ में ये जो एक पार्टिकल इसने एमिट किया है, इस पार्टिकल को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रीनो। ऑलराइट जी, तो ये बेसिक इक्वेशंस भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। क्वार्क मॉडल क्लियर होना चाहिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉम्पोजिट पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या है। और जी, टू कंक्लूड थिंग्स, कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपसे फर्दर डिस्कस करनी है, वो ये कि जो कैटेगराइजेशन की गई है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं जो कि कॉम्पोजिट पार्टिकल्स हैं, वो इस तरह से की गई है कि कैटेगराइजेशन तो बहुत बड़ी है, बट आपको ये याद रखना है कि एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं लेप्टॉन्स, और जी, और इन लेप्टॉन्स के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन फैमिली, जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिट्रॉन आएगा जिसको बीटा पॉजिटिव भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है। इसके अलावा आपके पास हैड्रॉन्स हैं, ये कॉम्पोजिट पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जी इनके अंदर फर्दर भी कैटेगरीज हैं, बट अभी हमें सिर्फ बैरियंस के बारे में पढ़ना है, और इसके अंदर आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑलराइट जी, तो बस ये बेसिक कैटेगराइजेशन आपको याद रखनी है, इसकी फर्दर सब कैटेगरीज और भी हैं हैड्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की, अंदर फर्दर फैमिलीज भी आती हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच।